बस्मिल्ल ररम असलम के बी डोकोरेशन में होशामदीद मेरे के बी चैनल के बी डोकोशन चैनल को आप लाइक करें कमेंट करें फ़ॉलो करें सब्सक्राइब करें इसी तरह ही मेरा फेसबुक पेज है के बी ड्रेशन के नाम से उसको लाइक करें कमेंट करें फ़ॉलो करें सब्सक्राइब करें जी आज हम लेकर आए हैं जी फौर्मी क्ले फॉमिक्ले क्ले क्या है क्ले की रेसिपी क्या है वह सब बातें जो क्ले से रिलेटेड हैं वो आपसे मैं शेयर करूँगा वो देखें जी क्या है ये है जी क्ले फॉमिकले जो है जी ये रेडीमेड मिलती है इसकी किसी किस्म की कोई रेसिपी नहीं है ना किसी ने अपलोड किया है ना वायरल हुई है और ना ही किसी ने शेयर की है ठीक है ये इस तरह के पैक में भी मिलती है ये फिफ्टी के का भी पैक मिलता है टू ए, टू फि टू फिफ्टी के का भी पैक मिलता है ठीक है वो वेट के हिसाब से मिलता है आप वाइट कलर ही हमेशा परचेज़ करें क्योंकि इसमें कलर मिक्स हो जाता है ठीक है इस क्ले का ये फायदा है ठीक है अगर आपसे कलर नहीं लेना चाहते आप मिक्स नहीं करना चाहते या कलर का भी खर्चा नहीं करना चाहते तो आप कलरफुल क्ले लें और उससे अपना काम चला लें और फॉमी क्ले जो है लाइट वेट क्ले होती है ठीक है ये भी ज्वेलरी बनाने में यूज होती है जब हैवी किस्म की कोई ज्वेलरी का काम का आप करते हैं तो आपको इसमें बहुत हेल्प मिलती है ठीक है।, है अब ये देखें ये सारे कलर हैं ये टोटल बारह कलर इस छोटे से पैक में आते हैं ये एक सौ बीस रुपये का पैक है ये मैं अपनी शॉप से लेकर आया हूँ इसको सेल करने के लिए और कुछ अपने इस्तेमाल के लिए भी ये मैंने कल ही परचेज़ किया पूरा काटन ठीक है ये काटन होता है उसमें सौ पीसीस कम अज कम होते हैं ठीक है बड़े काटन में ठीक है वो लिया ठीक इसके साथ ये तीन टूल हमेशा पैक के साथ मिलते हैं ठीक हो गया इनका भी इस्तेमाल बहुत है आप हमेशा मेरी माने तो आप वाइट कलर लिया करें वाइट क्ले में कलर मिक्स हो जाता है कलर मिक्स किस तरह करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है ये बहुत 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 लाइट वेट क्ले होती है उसको इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो ये है कि आप इसको इसमें ना हाथ को ग्रीस ग्रूस कुछ नहीं करना ना पेट्रोलियम जेली से ना किसी और किस्म की चीज़ से ना कोल्ड क्रीम से ना मॉइस्चराइजर क्रीम से ठीक है आपने क्या करना है आपने क्या करना है कि जी सिर्फ क्ले ली है थोड़ी सी इसको ये देखें चलो ये दिखा देता हूँ मैं थोड़ी सी क्ले लिया उसको यूं करते जाना है ठीक है इसको करते जाना है जब इसमें से इसकी ये देखें ये देखें इसमें नमी है जब इसकी नमी थोड़ी सी कम होने लगेगी ना तो फिर इसको यूज़ करना है ठीक है इस तरह अगर आप मोल में डालेंगे तो मोल में रह जाएगी इसके फूल बनाएंगे तो आपसे नहीं बनेंगे ठीक है इसका तरीकाकार ये है कि इसको थोड़ा सा एयर में रखना है चीज़ सेट हो जाए थोड़ी सी हार्डनेस इसमें आ जाए नमी थोड़ी सी दूर हो जाए फिर इसको आप यूज़ करेंगे तो आपके फ्लावर माशाल्लाह बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनेंगे ठीक है और आप इन टूल की मदद से भी ये काम कर सकते हैं ठीक है या तुपित की मदद से भी आप ये काम कर सकते हैं ठीक है कुछ भी हो आपके पास अवेलेबल को, कोई भी टूल हो या आप हैंडमेड फ्लावर भी आप बना सकते हैं रोज बना लें बर्ड्स बना लें जैसमिन बर्ड्स बना लें लीव्स बना लें जैसे आपकी है क्रिएटिविटी आपके अंदर आप ऐसा काम कर सकते हैं ठीक है इसकी रेसिपी कोई भी नहीं है ये रेडीमेड ही आपको लेनी पड़ेगी ठीक है एक बात और दूसरी बात यह देखिए ये देखें ये, देखे, ये रेड कलर है ये देखें इसकी कलर मिक्सिंग इस तरह है कि रेड लिया इधर से मैं थोड़ा सा ब्लू ले रहा हूँ ब्लू ले रहा हूं इसको मिक्स करें ठीक है ये बहुत सारे कलर इस तरह से आप कर सकते हैं आप इटालियन डो में भी इस तरह मिक्स कर सकते हैं कलर ठीक है दो कलरों को कंबाइन करके एक कलर आप क्रिएट कर सकते हैं क्ले कौन सी भी हो आप इस तरह कलर कर सकते हैं कलर मिक्सिंग का तरीकाकार यही है कि आप इसको जिस तरह लाएंगे ना नमी में ही आप कलर मिक्स कर लें ठीक है फिर उसको छोड़ दें जब ये थोड़ी सी एयर में पड़ी रहेगी सेट हो जाएगी फिर आप इसको यूज़ करें ठीक है इसमें पेट्रोलियम जेली वैसिन किसी किस्म की कोई चीज़ की जरूरत नहीं है आप इसी तरह ही इसका वर्क करेंगे हाँ मोल्ड में यूज़ करना थोड़ा सा मोल्ड को ग्रीस करना है पेट्रोलियम जेली से ठीक है ये बहुत ज़रूरी काम है ठीक है मोल्ड को उस टेबल को जरूर ग्रीस करें फोमी क्ले में नहीं वैसे बात कर रहा हूँ कोई और टाइप की क्ले हो ये रखें यह पर्पल शेड आ गया ठीक है इस तरह इसको लाइट कर लें लाइट के लिए हमेशा वाइट क्ले का इस्तेमाल करें अगर इसको और लाइट करना है तो आप इसमें और वाइट ऐड कर दें इसी तरह इटालियन डो में भी ऐड कर सकते हैं फोमिक्ले में भी ऐड कर सकते हैं इसकी रेसिपी कोई नहीं है मैं फिर से बोल रहा हूँ हाँ इसमें जो कलर ऐड होते हैं वो किस तरीके से होते हैं और कौन से कलर इसमें बेस्ट रहते हैं इनशाला तौल वो नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करके दूंगा ठीक है आई होप सो कि आपको ये भी वीडियो पसंद आई होगी फिर से मैं कहता हूँ मेरे चैनल के बी डेकोरेशन को लाइक करे, 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 करें कमेंट करें फॉलो करें सब्सक्राइब करें ठीक है शेयर करें इसी तरह मेरे फेसबुक पेज को कमेंट करें लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और फॉलो करें ठीक है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉर्मिक क्ले को किस तरह से यूज़ करना है और कलर मिक्स किस तरह करना है पूरा तरीका का ठीक है इन ताला तजाकल्ला खैर अला न